एक जलाशय में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वास करते थे। सुनसान जलाशय में ये जीव जंतु खुशी खुशी वास करते थे, लेकिन एक कहावत है, जहाँ पे शिकार वहीं पे शिकारी। इस जलाशय के किनारे किनारे बकुले ने वास पर रखा था। मछली, मेंढक इत्यादि जो अपने मन की खुशी खुशी घूमते थे, वो लोग उसको पकड़ के खाते थे। इन लोगों में एक बकुला बूढ़ा था। बहुत उम्र हो गया है मेरा, पूरे दिन में एक भी शिकार नहीं कर पाया और कर भी नहीं पाऊंगा, लेकिन बचने के लिए तो खाना होगा। चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, दिमाग लगा के होशियारी से शिकार करना होगा। अन्य मामा, तुम नो क्यों रहे हो? क्या तकलीफ है तुम्हें? क्यों आज खाने को नहीं मिला है क्या आपको कुछ? हाँ बताइए। हाँ भांजे, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं खाना त्याग कर दिया हूँ, अनशन पे हूँ, मैं अब कोई मछली नहीं खाता। मामा, आप शाकाहारी बन गए, इसका वजह क्या है बताइएगा? तो फिर सुनो, मैं इस जलाशय के पास जन्म लिया हूँ और यहीं पे अपना जीवन बिता के बुढ़ा हुआ हूँ। सुना हो कि आज से 6 साल तक बारिश नहीं होगी, ये जलाशय सूख जाएगा, क्या होगा सबका? इतनी खतरनाक की बात कहाँ से सुने हो मामा? दो बकुले के पास से सुना हूँ मैं। मैं अपने लिए चिंता नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो उम्र हो चुका है, चिंता है तो तुम सब की। तुम लोगों के साथ इतना दिन बिताया हूँ मैं, कैसे देखूँ तुम लोगों को मरते हो? अरे मामा, अब क्या बता दिए, जा रहा हूँ, क्या करूँगा, जाके जलाशय में सबको बताता हूँ ये बात। अरे अरे, चुप रहो चुप रहो, ज्यादा शोर मत मचाओ, शोर मचाने से क्या फायदा, दिमाग को ठंडा करके सोचो क्या कर सकते हैं। वरना चलो उसी बकुले मामा के पास चलते हैं, वही कोई ना कोई रास्ता हम लोगों के लिए ढूंढ के निकालेंगे, ठीक है? चलो चलो। बकुला मामा, आप ही हम लोगों के लिए कुछ सोचिए, वरना हम लोग पानी के बिना मर जाएंगे। मैं भी नहीं चाहता। कोई ना कोई उपाय तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, हम लोग को बचाओ। एक उपाय है, इस जलाशय से थोड़े से दूर में एक नदी है जिसका पानी सालों तक नहीं सूखता, बारिश हो या ना हो, वही पे तुम सबको ले जाना चाहता हूँ मैं। लेकिन ये कैसे संभव है? हम लोगों का तो पंख नहीं है जो हम लोग उड़ के जाएंगे, पहाड़ के ऊपर से कैसे जाएंगे? हाँ वो सब क्या मैं बिना सोचे बोल रहा हूँ, तुम लोगों के लिए मैं हूँ ना, रोज एक एक को मैं अपने कंधे पे बिठा के पहुँचा दूंगा मैं, बताओ तुम लोग। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, मैं तो बुरा हो चुका हूँ, एक साथ मैं सबको नहीं ले जा सकता हूँ, इसीलिए मैं रोज एक एक को ले जाऊंगा, मुझ पे विश्वास है। बातों के अनुसार बकुले मामा ने रोज एक एक को लेके जाना शुरू किए। मामा, जलाशय कितना दूर है? हाँ हाँ, आ चुका है बेटा, मैं थोड़ा थक गया हूँ, नीचे उस पत्थर पे जाके थोड़ा आराम कर लेता। लेकिन मामा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा वरना मैं मर जाऊंगा।
अब कहा जाएगा तू? मामा नहीं, मामा बचाओ बचाओ। हाँ हाँ, बकुले मामा ने रोज रोज एक एक को ले जाना शुरू किए और बड़े ही आनंद से खाना शुरू कर दिए थे। और एक दिन लेके उड़े केकड़े को अपने साथ। मामा दलाद थे कितना दूर है? और ज्यादा दूर नहीं है। और मामा इतने दिनों बाद हम लोग फिर से एक साथ लहेंगे, कितने आनंद से। उससे पहले मैं तुझे खा के अपने मुंह का स्वाद बदलूंगा। बहुत दिन से मछली खा खा के बोर हो गया हूँ। मैं थक गया हूँ। नीचे उस पत्थर के ऊपर जाके थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ले, ओ थप क्या है मामा, लेकिन जलाशय नहीं दिख रहा है। हाँ जलाशय मेरे पेट में है, अब मैं तुझे उसमें डालूंगा। लेकिन मैं तो ये तो होने नहीं दूंगा।